हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब हब। माय नेम इज़ विशाल कुमार एंड आज हम बात करेंगे IBPS RRB मेंस में कंप्यूटर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। ये 50 क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं, इनमें से मैं गारंटी देता हूँ आधे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन 2013? इसका आंसर है DOCX। याद रखना 2013 से पहले ये सिर्फ DOC था, तो ये कन्फ्यूजन करने के लिए हम क्वेश्चन में पक्का एक होगा .doc एंड .docx। हमारा आंसर होगा .docx। इसके साथ साथ आप जरूर पावर पॉइंट, एक्सेल और पेंट के एक्सटेंशन जरूर याद कर लें। एग्जाम में एक्सटेंशन के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो याद रखें PPT का होता है .pptx, एक्स जरूर है। 2013 के बाद सबके आगे एक्स लग चुका है। अगला क्वेश्चन है, विच यूनिट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशन ऑन इंटीग्रल बाइनरी नंबर। को ऐसी कौन सी यूनिट है जो अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ करने के लिए काम आती है? तो ALU की फुल फॉर्म हमें पता है क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके नाम में ही अर्थमेटिक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ALU। नेक्स्ट है, विच बटन इज कॉल्ड एज मिडिल बटन यूज एज अ थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। हम सबको पता है माउस में एक होता है लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच में एक होता है टायर टाइप का, उसको कहते हैं स्क्वायर व्हील और वो होता है मिडिल बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस ऑन अ प्रोजेक्शन स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस इज कॉल्ड एज स्लाइड शो। पावर पॉइंट में क्वेश्चन है स्लाइड शो का, हम पूरी स्लाइड बना लेते हैं और जब प्रेजेंटेशन हम देते हैं तो उस स्लाइड शो में चलाते हैं, तो इसको इसका आंसर होगा स्लाइड शो। नेक्स्ट है, विच मेमोरी इज नोन एज टेम्प्रेरी मेमोरी। अब हमें सिर्फ इसका आंसर से नहीं हो सेटिस्फाई होना, वोलेटाइल मेमोरी से हमें पता करना है वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। वोलेटाइल होती है जैसे हम कुछ काम करें एकदम से लाइट चलेगी तो वो मेमोरी वहीं से वहीं हट जाएगी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी परमानेंट रहती है, वो नहीं हटती चाहे लाइट जाए चाहे ना जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ऐड फंक्शनलिटी टू अवर कंप्यूटर और हेल्प अवर योर कंप्यूटर परफॉर्म बेटर इज कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम। ओके, इसमें सिर्फ यूटिलिटी प्रोग्राम से सेटिस्फाई मत होना, आप इन सारे ऑप्शनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। हमें सिर्फ आंसर सेटिस्फाई नहीं होता, उसका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में पढ़ के जाना, उसके बाद फंक्शंस पढ़ना। ओके, नेक्स्ट है, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में कौन होता है? एक्चुअली ये दोनों मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल CPU के अंदर होते हैं और CPU ही हेल्प करते हैं दोनों के कम्युनिकेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशलाइज प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू यूटिलाइज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज इन क्लासिफाइड एज। अब देखो हर फंक्शन के लिए एक एप्लीकेशन बनाई जाती है, जैसे व्हाट्सएप बनाइए चैटिंग के लिए, फेसबुक बनाइए लोगों से बात करने के लिए, तो इसलिए हर एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज एज आइडेंटिफायर रिटर्न विजिटर टू अ वेबसाइट। जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं ना, तो उस वेबसाइट से हमारे कंप्यूटर में कुकी चली जाती है, उससे क्या करता है अगली बार हम सर्च करते हैं तो वेबसाइट सीधा वही रिजल्ट निकालता है, तो वो होते हैं कुकीज़। आप कुकीज़ के बारे में थोड़ा और पढ़ें, ताकि इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। डैश इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पैम विच अनसोलिकेटेड मैसेजेस आर सेंट बाय ईमेल। हमने देखो कई सारे हमारे मैसेज स्पैम फोल्डर में जाके वो होते हैं हाइड, तो उसे कहते हैं स्पैम मेल। अगला है, एस्काई स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फुल फॉर्म्स बहुत आ सकते हैं इन क्वेश्चनों में, SKI की, CPU की, मतलब बेसिक भी आएंगी हाई लेवल भी, और फुल फॉर्म आएंगी ही आएंगे एक दो क्वेश्चन। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1 का कॉम्बिनेशन से, देखते हैं बाकी सब में 5, 6 है, 2, 0, ये सब बाइनरी नहीं है, बाइनरी होते हैं 1, 0, 1, 0 यही, तो इसका आंसर होगा बाइनरी। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? अब जिसमें एक तो होता है एनालॉग मशीन, एक होती है डिजिटल मशीन, अब दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो हाइब्रिड हो गया, तो उसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग भी यूज़ हो सकता है और डिजिटल मशीन भी यूज़ होती है, दोनों यूज़ होती है। व्हाट इज़ IP एड्रेस? IP एड्रेस होता है हर एक डिवाइस का एक स्पेसिफिक IP एड्रेस असाइन होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो वो होता है IP एड्रेस। अब हमें IP एड्रेस के बारे में पढ़ना है, कितने डिजिट का होता है, कितने उसमें वो होते हैं सेक्शंस, कितनी होती है क्लास, कितनी होती है, तो आप IP एड्रेस के बारे में थोड़ा और पढ़ें, एग्जाम में IP एड्रेस के ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है, प्रोसेसिंग में क्या होता है? हमने कुछ मैसेज डाला और वो आउटपुट पे आ गया, जो बीच का टाइम होता है वो होता है प्रोसेसिंग, मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं हम इनपुट को आउटपुट में, तो उसको कहते हैं हम प्रोसेसिंग। ओके, विच ट्रैकिंग प्रोग्राम रिकॉर्ड एवरी की स्ट्राइक यू मेक ऑन द कीबोर्ड। जब भी हम अपने कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करते हैं वो सीधा जाके कीलॉगर में जाके ट्रैक वो सेव हो जाता है और उसके बाद वहाँ लिखाता है स्क्रीन पे। ओके, ये होता है कीलॉगर। कीलॉगर के बारे में आप और पढ़ें, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना थोड़ा सा।
आरआरपीयू में ज़्यादा डीप में नहीं जाते, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पिक्सल? किसी भी फोटो का हम देखते हैं कितने पिक्सल की है, मतलब कितने छोटे 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 पॉइंट है वो। स्मॉलेस्ट रिजोल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर, मतलब जब स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं पिक्सल। पिक्सल याद रखना, पिक्सल हमेशा पिक्चर से रिलेटेड होता है, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट जो भी होगा वो होगा पिक्सल। ठीक, अब ये सबसे पहले तो हमें एआरपी की फुल फॉर्म याद करनी है। फुल फॉर्म आ सकती है एआरपी की, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब ये होता क्या है, ये होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, यूज टू डायनेमिकली बाइंड अ हाई लेवल आईपी एड्रेस टू अ लो लेवल फिजिकल एड्रेस। इसके इसको आप समझें, नेट से समझें, अच्छा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पर मेनली इसका एआरपी आएगा, फुल फॉर्म क्या होती है, ये आने के चांस बहुत कम है कि इसके बारे में बताओ। डेफिनेशन नहीं आती, आरआरबी पीओ और क्लर्क में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। इफ़ यू चेंज विंडो 98 और विंडो XP, यू आर एक्चुअली डूइंग वट? अब हम कई बार कहते हैं अपडेट करिए हमने विंडो, विंडो को अपडेट कर दो या अपग्रेड कर दो। तो 98 पुरानी थी, XP नहीं है, अब हमने इसे के लिए मतलब अपडेट कर दिया हमने अपनी विंडो को, तो होगा अपग्रेड। विच टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल कैन मेक स्टेटमेंट एंड अदर कैन रीड एंड रिस्पॉन्ड टू दो स्टेटमेंट? अब हम सबको पता है ब्लॉग क्या होता है, इन सबको अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे हम समझ जाएंगे इस कंसेप्ट ब्लॉग ही होगा। ब्लॉग पे लोग अपने व्यूज़ डालते हैं, अपनी किताब के बारे में डालते हैं, लोग हम उसको पढ़ते हैं, है ना, अपने व्यूज़ डालते हैं इलेक्शन के बारे में क्या व्यूज़ है, फिर लोग उसको पढ़ते हैं कि हमने आज उसका ब्लॉग पढ़ा, इसका आंसर होगा ब्लॉग। मोबाइल कॉमर्स क्या होता है? अब मोबाइल कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी और ट्रेड, ट्रेडिंग को भी कहते हैं कॉमर्स। अब मोबाइल ट्रेड क्या होता है, बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विस थ्रू वायरलेस हैंडल डिवाइस। जब भी हम अपने मोबाइल से कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं जैसे अमेजोन वगैरह से, उसके कहते हैं मोबाइल कॉमर्स। इस चीज़ को बस थोड़ा दिमाग में रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वाले एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आप शॉर्टकट कीज़ के ऊपर जरूर देखेंगे। तो इसमें देखते हैं, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सेंट्रलाइज सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ वर्ड? हमने टेक्स्ट किया उसको हमें बिल्कुल सेंटर लाना स्क्रीन के, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल ई। ओके, और वहीं उस अगर उस कीबोर्ड से उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को हमें लेफ्ट में लाना है तो कंट्रोल एल होगा। ओके, शॉर्टकट से एक बार आप जरूर देखना। मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ शॉर्टकट के ऊपर क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को उस वीडियो के लिए। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज पैकेज इज डेवलप बाय सन माइक्रो सिस्टम? इनमें से कौन सा पैकेज सन माइक्रो सिस्टम द्वारा डेवलप किया गया था? तो सन माइक्रो सिस्टम में 3 पैकेज डेवलप किए थे, इनमें से एक था JDK, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट, इसको भी डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। नेक्स्ट है, टू मैक्सिमाइज अ विंडो मीन, मतलब मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है, कितना बेसिक क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज करना मतलब एक्सपेंड करना किसी को, मिनिमाइज करना छोटा कर देना स्क्रीन को। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेन्यू शोज द फर्दर सब चॉइस? ऊपर जैसे कई बार यहाँ होते हैं फाइल का होता है, फाइल पे क्लिक करते हैं तो ऐसे नीचे नीचे पुल डाउन हो जाता है वो स्क्रीन, तो उसको कहते हैं, तो वही हो गया, वो मेन्यू क्या हुई, पुल डाउन मेमोरी। फाइल पे क्लिक किया नीचे खुल गया, पुल डाउन हो गया, वो हो गया पुल डाउन मेन्यू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिकल लेयर? अब OSI मॉडल के बारे में आप सबने सुना होगा, OSI मॉडल में होती है 7 लेयर, हमें उन 7 की 7 लेयर्स को पढ़ना है, उन लेयर्स में क्या क्या वो डिवाइस यूज होते हैं वो याद करने हैं। ओके, फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क, ये सब लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में, उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। हर लेयर में कुछ ना कुछ डिवाइस यूज होते हैं, स्विच, हब, रिपीटर, तो हमें इन सब के बारे में जरूर जरूर पढ़ना। गूगल पर सर्च करना, आ जाएगा सबसे टॉप पे, आप उसको पढ़ना। ओके, अब है, ट्रैक बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, ट्रैक बॉल क्या होता है, पॉइंट करता है, ट्रैक बॉल यहाँ है, ट्रैकिंग डिवाइस होता है, ट्रैकिंग मतलब पॉइंटिंग, तो इससे हम रिलेट करके कहते पॉइंटिंग डिवाइस होगा इसका आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अकर व्हेन सॉफ्टवेयर ट्राइज टू एक्सेस प्रोटेक्टेड मेमोरी? अब जब भी सॉफ्टवेयर कोई, हमने कुछ मेमोरीज को प्रोटेक्टेड उसमें रखा है और सॉफ्टवेयर को ट्राई करे डिफो करने के, तो एक फॉल्ट एरर आ जाएगा, तो उसे कहते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट। आप इस सेगमेंटेशन मतलब एरिया, इस एरिया में आप नहीं जा सकते, तो वहाँ फॉल्ट लिखा आ जाएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट कहते हैं उस एरर को। ठीक है, अब जो होता है एक और है, अब 5 जनरेशन में हर जनरेशन में क्या क्या यूज हुआ है वो याद करना है। वैक्यूम 2 फर्स्ट जनरेशन हुआ, ट्रांजिस्टर 2nd में हुआ, तो इस तरीके से याद करना है। अभी चल रहा है 5th जनरेशन, इसमें यूज़ हो रहे हैं सेमीकंडक्टर। ओके, जैसे हर जनरेशन में क्या क्या यूज़ हुआ है वो सब हमें याद करना है, तो ये आप जरूर देखिए। जरूरी नहीं है 50 क्वेश्चन आएंगे, इनमें जो टॉपिक निकल के आ रहे हैं उनको आप लिस्ट बनाइए अलग से और उनको याद कीजिए। जैसे हम वैक्यू सारे जनरेशन के डिवाइस याद करने हैं, हमें फिजिकल लेयर सारे OSI मॉडल की लेयर्स याद करनी है, ये बहुत जरूरी है। इन बेसिक पॉइंट में से हर साल क्वेश्चन निकल के आते हैं, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा यूज़ होता है, आ जाता है 4th में कौन सा यूज़ होता है, 3rd में कौन सा यूज़ होता है, पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज़ होता था, ट्रांजिस्टर होता है 2nd जनरेशन में। ICs कौन सी जनरेशन में यूज होता है, IC होता है 3rd जनरेशन में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
अब फिर शॉर्टकट कीज के ऊपर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू टाइप अ बोल्ड इन एक्सेल। अब जैसे हमने लिखा, एक तो ऊपर होता है बी के ऊपर क्लिक कर तो बोल्ड हो जाएगा, एक शॉर्टकट की भी होती है उसकी होते हैं कंट्रोल टू, ये आप जरूर याद करें, कंट्रोल टू होते हैं बोल्ड के लिए, ऐसे इटैलिक के लिए होते हैं कंट्रोल आई। ओके, विच इज़ द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, एल्टेयर, ये सब याद करें अच्छे से, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये सब याद करना है। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आप सबको पता है चार्ल्स बैकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्टार्टिंग अप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टार्टिंग अप को क्या कहते हैं, बूटिंग। बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म अप बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जैसे हमने कंप्यूटर बंद कर दिया फिर स्टार्ट करेंगे होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है हॉट बूटिंग, मतलब हमने कंप्यूटर चल रहा है हमें स्टार्ट रीस्टार्ट बटन पे बटन दबाया तो उसको कहते हैं हॉट बूटिंग। ओके, नेक्स्ट है, वी कैन रिपीट नरेशन बाय प्रेसिंग, अब नरेशन रिपीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, होते हैं कंट्रोल आर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज डेवलप्ड इन 1971 बाय इंटेल, ये सब आपको पता ही होगा। कन्वर्जेशन ऑफ एनालॉग इनटू डिजिटल फॉर्मेट इज कॉल्ड कन्वर्जेशन फॉर्ज, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता ही होता है। सैम्पलिंग का आपको पता है क्या होता है, एक सिग्नल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उसको कहते हैं सैम्पलिंग। ओके, ए एल यू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सी यू होता है ऐसे ही कंट्रोल यूनिट। तो फुल फॉर्म पे भी आप ध्यान दें, जो भी फुल फॉर्म आपको दिखे उसको याद करें, उसके अलग से एक लिस्ट बनाएं एंड में जाने से पहले उसको रिवाइज करें। ग्रुप ऑफ डाटा एंड ऑपरेशन टुगेदर आर नोन एज क्लास, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड फंक्शन, फंक्शन मीन्स ऑपरेशन। ओके, जावा कॉन्सेप्ट है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसोसिएटेड ए आई, ए आई के साथ कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, और मैक्सिमम लोग इसमें सी प्लस प्लस पर क्लिक करते हैं, इसमें याद है पी आर ओ लॉग, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, तो प्रोलॉग याद होता है इसको, आप बस याद कर लें, आ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी। ऑन कलर मोनिटर ईच पिक्सल इज कम्पोज ऑफ थ्री मिनिमम डॉट्स, ये नॉर्मल चीज है, हर एक पिक्सल में तीन डॉट्स होती है, तीन डॉट्स से मिलकर एक पिक्सल बनता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सबको पता है इसके बारे में। फैक्स मशीन इज यूज टू सेंड डॉक्यूमेंट थ्रू, हम सबको पता है फैक्स मशीन जब भी होगी एक लैंडलाइन फोन जरूर लगा होता है, टेलीफोन लाइन के जरिए फैक्स मशीन से हम सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ सर्वर कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम, डीएनएस सर्वर। अब हमें डीएनएस की फुल फॉर्म याद करनी है, एमएनएस की याद करनी है, यूटीपी, आरटीपी, इन सब की फुल फॉर्म याद करें, इन सब का फंक्शन देखें कि जैसे डीएनएस यूज होता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करें, तो ऐसे ये सब क्या यूज होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को याद करें, उनके सब क्वेश्चन निकाले, इन टॉपिक इसके ऑप्शन में एमएनएस है, एमएनएस के बारे में इसमें क्वेश्चन नहीं है पर एग्जाम में एमएनएस के ऊपर आ सकता है, यूटीपी की फुल फॉर्म आ सकती है, तो इन चीज़ों को ध्यान दें। प्रोग्राम सच एज मोजिला फायर दैट सर्व एज नेविजिलेबल विंडो इन टू अ वेब आर कॉल्ड, जैसे मोजिला फायर हो गया, क्रोम हो गया, सब क्या है, हम सबको पता है वेब ब्राउजर होते हैं, तो इसको याद करें, ये तो नॉर्मल है। डैश एंड डैश आर मोस्ट यूज इनपुट डिवाइस, अब स्कैनर है इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, नहीं है, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, माउस भी इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर होगा ये, कीबोर्ड एंड माउस। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, बिट तो स्मॉलेस्ट होती है, इन सब में लार्जेस्ट है पीटाबाइट, और वैसे लार्जेस्ट होती है जेटाबाइट, और निबल होती है स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, ये याद करना यूनिट्स। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय सीपीयू, सीपीयू कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, एचटीएमएल, नहीं, सीपीयू तो मशीन है, तो मशीन लैंग्वेज इंडस्ट्रेट करेगा, तो इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप इज कॉल्ड एज ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन, पुल डाउन, वन एंड द सेम थिंग, फाइल पे क्लिक किया वो मेन्यू नीचे खुल के आ जाती है, क्या हुआ, वो पुल डाउन हो गई, ड्रॉप डाउन हो गई, सेम चीज़ है। तो ये 50 क्वेश्चन थे यार, इनको अच्छे से कर जाओ, इनके सब टॉपिक्स भी अच्छे से करो, ऑप्शन में जो वर्ड है उनको अच्छे से करो, गारंटी दे रहा हूँ 20 में से 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे आएंगे, एग्जाम आपके कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, 10 मिनट में हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 10 मिनट में कंप्यूटर का सेक्शन अटैम्प्ट करना है ताकि हम बाकी सेक्शनों को टाइम दे पाएँ। और प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।